हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 9। आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन एंड देन एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ एपी एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 कंप्लीट की है, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। सो स्टार्ट। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट वी सी द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। हम यहाँ पे एक एपी लिखते हैं, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी। इसमें फर्स्ट एन टर्म्स लिखेंगे, सो nth टर्म वुड बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना है, सो सम s इक्वल्स टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस, इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी एपी को हम रिवर्स में लिखेंगे, सो दिस इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। कंटिन्यू करते हुए लास्ट टर्म ए होगा। अब यहां पे मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड कर देता हूं, सो दिस इज टू एस इक्वल्स टू दिस इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो दिस इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पे देखिए सेकेंड टर्म और यहां से सेकेंड टर्म को हम ऐड करेंगे, सो दिस इज अगेन ए प्लस ए टू ए एन माइनस टू इंटू डी प्लस डी, सो दिस इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एवरी टाइम वी गेट द सेम सम ऑफ द टू टर्म्स, और ये हमारे पास लास्ट तक चलता रहेगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो इस तरह से हमारे पास ये n टर्म्स होंगे। सो अगर मैं सेम वैल्यू को n टर्म्स तक ऐड करता हूं तो वो n टाइम्स हो जाएगा। सो हेयर 2s इज n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो s इज n अपॉन 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो इस तरह से हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया। एस को हम एस एन भी लिख सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूले में हम दूसरा फॉर्म फाइंड आउट करते हैं, सो टू ए कैन बी रिटन एज ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड वी नो दैट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये हमारे पास nth टर्म है, सो वी कैन राइट एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। सो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। लेकिन इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे nth टर्म की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस, कभी कभी हम ए एन को लास्ट टर्म एन भी मेंशन करते हैं, सो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास ए और डी होना चाहिए सेकेंड में, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म या लास्ट टर्म आपके पास होना चाहिए। लेकिन किसी भी कंडीशन में आपके पास फर्स्ट n टर्म्स का पता होना चाहिए कि आपको कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सो इन तीनों केसेस में आपके पास n की वैल्यू आपके पास गिवन होनी चाहिए, या आप फाइंड आउट करेंगे उसके बाद ही आप इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज।
हमें इन एपीज में सम फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट 2, 7, 12 to 10 टर्म्स, ये एपी हमें गिवन है. इसमें 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है. इन फर्स्ट पार्ट इन एपी फर्स्ट टर्म ए इज 2, डी इज 7 - 2 = 5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स एन इज 10. सो यहाँ पे हमें ए डी और एन की वैल्यू गिवन है. सो वी अप्लाई द फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो हेयर एस 10 इज 10 अपॉन 2 2 a की जगह हम लोग पुट करेंगे 2 प्लस एन की जगह 10 10 माइनस 1 एंड डी इज 5. सो 2 से ये कैंसिल्ड आउट हुआ 10, सो दिस इज 5, 4 प्लस 45, सो 5 सो दिस इज 49, सो दिस इज 245. सो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी इज 245. पार्ट 2, इस एपी में हमें फर्स्ट 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. हियर ए इज -37, डी इज -33 प्लस 37 इज 4 एंड एन इज 12. सो इसमें भी ए डी और एन गिवन है. सो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है. सो दिस इज एस 12 12 अपॉन 2 2a इज -37 प्लस एन इज 12 माइनस 1 एंड डी इज 4. सो दिस इज 6 एंड -74 प्लस 44. सो दिस इज 6 इंटू -30, दैट मीन्स -180. सो इन दिस एपी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज -180. पार्ट 3, एपी इज गिवन. इन दिस एपी ए इक्वल्स टू 0.6, डी इज 1.7 -0.6 इज 1.1 एंड एन इज 100. सो वी अप्लाई द फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं. सो दिस इज एस 100 इज 100 अपॉन 2 2a इज 0.6 एन इज 100 माइनस 1 डी इज 1.1. सो दिस इज 50 एंड 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1. सो 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9. सो 5,505 इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी. इन फोर्थ पार्ट एपी इज गिवन. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स. इन द एपी फर्स्ट टर्म इज 1/15, डी इज 1/12 -1/15 विच इज इक्वल टू 1/60 एंड n इज 11. सो एस एन इज एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो दिस इज एस 11 11 अपॉन 2 2a इज 1/15 प्लस एन इज 11 एंड डी इज 1/60. सो दिस इज 11 अपॉन 2 2 अपॉन 15 प्लस 10/60, 0 0 कैंसिल्ड आउट. अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेंगे.
दैट इज 30, सो दिस इज 4 प्लस 5, सो 11 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 30, सो दिस इज 33 अपॉन 20. सो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ द एपी इज 33 अपॉन 20. सो इन क्वेश्चंस में हमें एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन. सो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इसमें वैल्यू पुट की और हमने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया कि उन सभी टर्म्स का, फर्स्ट टर्म्स का सम क्या होगा. इसी तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द सम्स गिवन बिलो. यहाँ पे हमें एपी गिवन है, हमें इस एपी का सम फाइंड आउट करना है. लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, 7 प्लस 10 एंड ए हाफ प्लस 14 प्लस 84. यहाँ पे हमें इस एपी का सम फाइंड आउट करना है, लेकिन 84 जो है इस एपी का एक टर्म है. यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, डी भी गिवन है, ए एन गिवन है, लेकिन हमें एन गिवन नहीं है कि कितने टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है. लेकिन हमने कोई भी फॉर्मूला देखा सम ऑफ एन टर्म्स का, उसमें हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए. सो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि हमने कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू. फर्स्ट पार्ट में देखिए, यहाँ पे हमें ए इज 7 फर्स्ट टर्म, डी इज 10 एंड ए हाफ माइनस 7, दैट मीन्स 3 एंड ए हाफ और 7 अपॉन 2. लेकिन अगर हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें, मान लीजिए एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन और एल, तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में हमें एन गिवन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे. सो ए एन इज 84. सो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. हियर ए एन इज 84, ए इज 7 एन माइनस 1 एंड डी इज 7 अपॉन 2. इस फॉर्मूले से हमें ये फाइंड आउट होगा कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं जिनका हमें सम फाइंड आउट करना है. सो दिस इज 22 प्लस 1 इज एन, सो एन इज 23. सो यहाँ पे हमें 23 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे हमें देखिए एन गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड ए एन गिवन है. तो हम ये फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्ट एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन. एस एन इज एस 23, 23 अपॉन 2, ए इज 7 एंड दिस इज 84. अब फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करें लेकिन आंसर सेम आएगा. सो दिस इज 2093 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1046.5. सो हियर सम ऑफ 23 टर्म्स इज 1046.5. इन पार्ट टू एपी इज गिवन, सेम कंसेप्ट, ए इज गिवन, डी इज गिवन एंड एनएथ टर्म इज गिवन. सो हमें सबसे पहले एन फाइंड आउट करना होगा. सो ए इज 34, डी इज 32 माइनस 34 दैट इज माइनस 2 एंड ए एन इज 10. सो हमें एन फाइंड आउट करना है. सो वी अप्लाई द फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज 10 इज 34 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज हेयर माइनस 2. सो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 24 अपॉन माइनस 2 एन माइनस 1. सो 12 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, सो एन इज 13. तो हमें ये पता लगा कि इस एपी में टोटल 13 टर्म्स हैं
और हमें इनका सम फाइंड आउट करना है. सो वी अप्लाई एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन. सो एस 13 इज 13 अपॉन टू, ए इज 34 एंड ए एन इज 10. सो 13 अपॉन टू मल्टीप्लाई 44. सो एस 13 इज इक्वल टू 286. सो इस एपी के 13 टर्म्स का जो सम है दैट इज 286. पार्ट थर्ड, एपी इज गिवन. सो सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई. सो ए इज -5, डी इज -8 प्लस 5 दैट इज -3 एंड ए एन इज -230. सो ए एन इज ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. सो -230 इक्वल्स टू -5 प्लस एन माइनस वन, हियर डी इज -3, सो इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं. सो -230 प्लस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इन टू -3. -225 अपॉन -3 इज इक्वल टू एन माइनस वन. सो दिस इज 75. सो 75 प्लस 1 इक्वल्स टू n और n इक्वल्स टू 76. सो हमें ये पता लगा कि इस एपी में जो -230 है वो हमारे पास 76 टर्म है. नाउ सम ऑफ 76 टर्म्स. सो एस एन इज n अपॉन टू ए प्लस ए एन. सो एस 76 इक्वल्स टू 76 अपॉन टू, ए इज -5 -230. सो दिस इज 38. सो 38 मल्टीप्लाई -235 दैट मीन्स -8930. सो सम ऑफ 76 टर्म्स इज -8930. सो फ्रेंड्स, आपने देखा एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चंस किस तरह से हमने अटेम्प्ट करने हैं. आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.